Assalamualaikum students, I am your English teacher. My name is Aksa. Seventh class, open your English books. चल बच्चे, आज हम लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर टू, आवर विलेजेस. ठीक है, पेज नंबर आप ओपन कर रहे हैं अपना. आवर विलेजेस का पेज नंबर है पेज नंबर 15. ठीक है, पेज नंबर 15. आज हम लोग ने क्या करना है, आवर विलेजेस. ठीक है, आप लोगों का यूनिट वन जो है वो कवर हो चुका है, उसकी बैक एक्सरसाइज ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड. ठीक है, आज हम लोगों ने क्या करना है, आवर विलेजेस. हम इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है, आवर का मतलब क्या होता है, हमारा. विलेजेस क्या होते हैं, गाँव. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस अंजुम्स फादर वॉज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क. क्या होता है जी, वंस का क्या मतलब होता है, एक दफ़ा. अंजुम्स फादर, अंजुम का जो बाप है, वॉज वेरी टायर्ड. टायर्ड मीन थका हुआ. ठीक है, उसका बाप क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था ऑफिस वर्क. ठीक है, अपने ऑफिस के काम से थका हुआ था. ही डिड नॉट नो वट टू डू, वो नहीं जानता था कि वो क्या करे. ठीक है, नाउ मतलब जानना. His wife suggested him. ठीक है, उसकी वाइफ ने उसको क्या किया, सजेस्ट किया. सजेस्ट मतलब होता है तजवीज़ करना. him to take a few days leave, कि तुम क्या करो, अपने ऑफिस से है कुछ दिन जो है वो लीव ले लो. ठीक है, take a leave from his office and visit his parents, और अपने पेरेंट्स को. ठीक है, विजिट कहाँ करें, अपने पेरेंट्स पास जाए, इन नूरपुर विलेज. ठीक है, नूरपुर विलेज जो है, ये नूरपुर क्या है, गाँव का नाम है. ठीक है, He would be refreshed by living in the village. तो क्या कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने ऑफिस जो है, ऑफिस से जो है छुट्टियां ले लो और अपने पेरेंट्स के पास, वालदैन के पास, नूरपुर विलेज में चले जाओ. वहाँ पे तुम क्या करोगे, गांव में जाओगे तो आराम फील करोगे. ठीक है, आराम महसूस करोगे. आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद. ही वुड रिटर्न होम क्विट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन. ठीक है, वो क्या कहती है कि कुछ दिनों के बाद वापस आ जाओगे और तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और अपना काम जो है वो दोबारा कंटिन्यू कर लोगे. ठीक है, अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज. उसका बाप क्या करता है, खूबसूरत गांव में पहुंच जाता है. नूरपुर क्या है, विलेज का नेम है. ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ केनाल. ठीक है, वो केनाल पे सिचुएटेड होता है कि वहाँ पे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ केनाल. ठीक है, वो केनाल पे उसका जो है गांव नूरपुर गांव है. हिज पेरेंट्स वर, उसके वालदैन वर ओवरजॉयड. ठीक है, उसके वालदैन जो थे ओवरजॉयड टू सी हिम. ओवरजॉयड का मतलब होता है फूले ना समाना, खुशी से. ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको देख के बहुत खुश होते हैं. हिज अदर रिलेटिव्स ऑल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम. उसके बाकी रिश्तेदार भी सारे जो हैं उसको वेलकम करने, खुश आमदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए. ठीक है, अब देखें थर्ड पैराग्राफ है. अ विलेज इज़ पीसफुल काम एंड क्विट प्लेस. क्या कहते हैं, गाँव जो है एक पुरसकून है. क्विट प्लेस होता है खामोशी. आपको पता है गाँव के माहौल कैसा होता है, पुरसकून होता है, खुली हवाएँ होती हैं, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता. ठीक है, इन अ विलेज क्या है कि गांव में लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग. ठीक है, क्या कहते हैं, गांव में जो है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है. मुतासर मतलब अट्रैक्ट करना. ठीक है, रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा. एज देर इज़ नो नॉइज, वहाँ कोई शोर नहीं है. एंड रश ऑफ ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक का रश नहीं है. ठीक है, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान जो है वो गाँव की ज़मीन है. ठीक है, लैंड का मतलब क्या होता है, गाँव, ज़मीन, सॉरी, लैंड का मतलब क्या होता है, ज़मीन. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, तकरीबन हमारी जो है 70% आबादी विलेजेस में रहती है. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज मे गो टू 5,000 और 6,000. ठीक है, बड़े गांव की जो आबादी है वो कहते हैं कि 5 या 6 हज़ार तक भी जा सकती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस. वो कहते हैं कि बड़े बड़े गांव में जो है आबादी 5,000 से 6,000 तक भी जाती है, और जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पर कम अज़ कम 2,000 लोग रहते हैं, और यहाँ इससे भी कम होते हैं. लेकिन आजकल तो मतलब 5,000-6,000 से तजावुज़ ही कर गई है विलेजेस की आबादी. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आप लोगों ने क्या करना है, इसके सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं अपनी कॉपीज़ पे राइट करने हैं, अच्छे से उनको लर्न करना है. और ये आपके 3 पैराज की ट्रांसलेशन है, ये कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, आप इंशाल्लाह इजीली कर पाओगे. ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.